फाइव देखिए, इफ एक्स इक्वल टू 2/3 एंड एक्स इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का ये रूट है ये दोनों के दोनों, तो इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें इसमें ए और बी इन दोनों कॉन्स्टेंट के वैल्यू निकालने हैं, इन दो इन ये रियल वैल्यू होंगे ए और बी के, वही हमें निकालने हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इन दोनों को इसमें पुट करके दो इक्वेशन लेंगे और उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 2/3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए इंटू में 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में 2/3 और प्लस का बी इक्वल टू 0। तो ए इंटू में यहाँ हो जाएगा 4/9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14/3 प्लस बी इक्वल टू में 0। इसका एलसीएम यहाँ ले लेते हैं 9, इसमें से डिवाइड करेगा 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4 है, इसमें से डिवाइड करेंगे 3 और 3 जाके 14 में मल्टीप्लाई करेगा 42 प्लस, यानी डिनोमिनेटर 1 है, 1 में से डिवाइड करेंगे 9, 9 जाके बी में मल्टीप्लाई करेगा 9 बी इक्वल टू 0, ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 4a प्लस का 9b और प्लस का 42 इक्वल टू 0। 42 को उधर लेके चल जाते हैं तो 4a प्लस का 9b इक्वल टू में माइनस का 42 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब देखते हैं दूसरा दिया हुआ x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ रख देते हैं a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू में -3 प्लस बी इक्वल टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा 9a माइनस का 21 प्लस बी इक्वल टू में 0। तो 9a प्लस बी इक्वल टू में ये जाके उधर प्लस का 21 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड में 9 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि बी के कोफिशियंट सेम हो जाए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों इक्वेशन से देखिए, देखो ऊपर वाला है 4a प्लस का 9b इक्वल टू में माइनस का 42, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81a और प्लस का 9b इक्वल टू में 21 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 9 से, तो 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 189। ठीक है, चलिए साइन चेंज करते हैं, ये यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 77a माइनस का 77a हो जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ माइनस का 231, समझ रहे ना, 231 हो जाएगा 9 2 11 1 और 8 4 2 11 13 1 1 1 2। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से हटा देते हैं, ये जाएगा डिवाइड में तो ए इक्वल टू में 231 बाई में 77, 3 टाइम्स में इससे कट जाएगा तो ए का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड वाले में ही रहेगा 9a प्लस बी इक्वल टू में 21। ठीक है, तो 9 ए का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 3 और प्लस का बी इक्वल टू में 21, तो ये 27 प्लस बी इक्वल टू में 21 ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो बी इक्वल टू में 21 माइनस का 27 यानी बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू हो गया 3 और बी का वैल्यू हो गया माइनस का 6, समझ गए। तो यही क्वेश्चन बचे हुए थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है
रविकांत सर के नाम से, तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।